सब्सक्राइब कीजिए समथिंग न्यू चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षराज, आप देख रहे हैं समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप मल्टीपल प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले मूव करें आज के वीडियो की तरफ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये करने के लिए आपको यहाँ पे YouTube ऐप का ओपन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा यहाँ पे YouTube ओपन हो जाएगा, आप देखेंगे फिफ्थ नंबर पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको उस वाले ऑप्शन पे टच करना है और फ्रेंड्स उसके बाद आपको यहाँ पे माई वीडियोज़ पे इसे टच कर देना है। तो फ्रेंड्स, आपने जितने भी वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड किए होंगे वो यहाँ पर सभी आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हर वीडियो के राइट साइड आपको एक थ्री डॉट्स का एक लाइन आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको जिस भी वीडियो को अपने प्लेलिस्ट पर डालना है तो उस वीडियो के राइट साइड जो थ्री डॉट्स का ऑप्शन आ रहा है उस पर टच कर दीजिए। तो चलिए मैं इस फर्स्ट वाले वीडियो को यहाँ पे फीचर कर लेता हूँ, जो है ऐड टू ऐड अ फीचर्ड चैनल का। तो मैं इस डॉट वाले ऑप्शन पर टच करता हूँ और ऐड टू प्लेलिस्ट यहाँ पर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पर एक टॉप के ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट अ न्यू प्लेलिस्ट, तो इस पर आपको टच कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने प्लेलिस्ट का नेम एंटर करना है। तो चलिए मैं इसका यहाँ पे नेम कर देता हूँ प्लेलिस्ट ही। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट एंटर कर दिया। फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे पब्लिक भी रख सकते हैं या फिर प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो मैं इसे पब्लिक कर दिया हूँ और इसे ओके पे टच कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे इसे टच कर देते हैं और इसे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो प्लेलिस्ट के ही नेम से है। तो चलिए इसका मैं आपको बताता हूँ आप डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। तो इस पेंसिल वाले सिंबल पे आप टच कीजिए और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसके यहाँ से नेम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं या फिर चलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एक स्मॉल सा कुछ भी लिख देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे एक एग्जाम्पल के लिए लिख लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे राइट साइड देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा इसे यूट्यूब पे अपलोड करने का। तो चलिए इसे मैं टच कर देता हूँ और फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ये प्लेलिस्ट पूरी तरह से क्रिएट हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे पैक करता हूँ मैं इसे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने चैनल के आइकन पर टच करता हूँ और माई वीडियोज़ पर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे रीसेंट प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट के ही नेम से, तो वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इसे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा था इस प्लेलिस्ट का, वो यहाँ पर आ रहा है यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कोई भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।